नमस्ते दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आपकी स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्लोटिंग ड्राई डस्ट फिश फीड बनाने का तरीका बताऊंगा। वो भी बहुत आसानी से। इस फिश फीड को तैयार आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनियां इस तरह का डस्ट फिश फीड बनाती है और इसको सेलिंग भी करती है, लेकिन उसमें उसका प्राइस काफ़ी हाई रहता है, तो बहुत सारे किसान भाई इसको खरीद नहीं पाते हैं। हालाँकि ये इस तरह का फिश फीड काफ़ी अच्छा भी होता है। बहुत सारे जगहों में इस तरह का फिश फीड मिलना भी मुश्किल होता है, जिससे किसान भाई इसको खरीद ही नहीं पाते हैं और आप उनका मछली को खिला भी नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा किस तरह से आप इस तरह का फिश फीड तैयार कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो इस तरह का फिश फीड हमेशा कुछ मछली में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी छोटा साइज का मछली हम फार्मिंग करते हैं, उस दौरान इस तरह का फिश फीड का लगता है 1 से 1.5 महीना इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि हाइब्रिड तेलापिया या मोनोसेक्स तेलापिया फार्मिंग करते हैं, तो उन्हें 1-1.5 महीने का नर्सिंग जरूरत होता है। कोई अगर पंगासिया छोटा साइज का फार्मिंग करते हैं, तो उन्हें भी 1-1.5 महीने के लिए इस तरह का फ्लोटिंग फिश फीड का जरूरत होता है, नर्सिंग जो फिश फीड होता है। या वियतनाम कोई, हाइब्रिड कोई, इस तरह का कौवई मछली का फार्मिंग करने का दौरान भी 1-1.5 महीने के लिए इस तरह का फ्लोटिंग नर्सरी फिश फीड का जरूरत होता है। ऐसे हाल में इस तरह का फिश फीड नहीं मिलने के कारण किसान भाई अक्सर बड़ा साइज का मछली का फिश फीडिंग छोटा साइज मछली को कराते हैं, जिससे उनका मछलियाँ फिश फीड सही से नहीं खा पाती है और उनका मछली में ग्रोथ भी उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। दोस्तों, इस तरह का फ्लोटिंग फिश फीड बनाने के लिए 3 तरह का चीज़ों का जरूरत होता है। जैसे कि सबसे पहला जो चीज़ लगेगा वो है सोयामिल का डस्ट, सोयामिल पॉलिश, जिस नाम से आप जानते हैं। तो इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो है, देख सकते हैं। इसका डस्ट लगेगा। दूसरा जो चीज़ लगेगा एंकर का दाल, ये बहुत आसानी से आपको आसपास किसी भी दुकान में मिल जाएगा। और तीसरा है राइस ब्रान या राइस पॉलिश, ये भी राइस मिल में मिल जाता है। तो ये तीनों चीज़ मिला के आप इसका इस तरह का फिश फीड तैयार कर सकते हैं, जो फ्लोटिंग वाला फिश फीड है। तो इसमें कितना प्रोटीन मिलेगा ये भी आप जानना चाहते होंगे। तो इसमें लगभग आपको 28% तक प्रोटीन मिलेगा। बहुत सारे किसान भाई इसको इस तरह का फिश फीड बनाने के बाद सवाल करते हैं इसका प्राइस क्या आया। तो दोस्त, मैं इसका प्राइस आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग सामानों का अलग अलग प्राइस होता है। तो आप इसका हिसाब आप खुद ही निकाल लेना है, कितना लगता है, कौन सा रेट है, तो इसको आप खुद ही हिसाब करके निकाल लेना। जो भी मैं तरीका बताता हूँ, असल में मैं अलग अलग तरह का फिश फीड बनाने का तरीका, देने का तरीका, इस तरह का तरीका बताता हूँ, ना कि फिश फीड का प्राइस बताता हूँ। तो अगर आपको लगेगा इस तरह का फिश फीड में इतना खर्चा आ रहा है तो आप नहीं इस्तेमाल करें, अगर आपको लगा है ना मेरा बजट में है, मैं इसको कर सकता हूं, तो आप करें, ये आपका मर्जी है। लेकिन मैं इस तरह का इन्फॉर्मेशन देता हूं, प्राइस वाला इन्फॉर्मेशन मैं लगाता नहीं हूं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको बनाने का तरीका। तो अब इसको बनाने के लिए आपको कितना परसेंट यूज़ करना है वो भी मैं बता दूँ। तो दोस्तों, 100 किलो फिश फीड बनाएंगे, जिसमें हमारा प्रोटीन परसेंट लगभग 28% होगा। तो इसके लिए आपको सोया मिल डस्ट लेना है 40%, यानी 40 किलो, और एंकर का दाल को लेना है आपको 40%, यानी 40 किलो, और राइस ब्रांड का इस्तेमाल करना है आपको 20%, यानी 20 किलो। ये टोटली आपको 100 किलो फिश फीड बन गया। ये सारा चीज़ आप एक साथ मिक्स करके भी फिर इसको डस्ट बना सकते हैं, या डस्ट बना के भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से मिक्स करूंगा, और इसको मेरे पास तो हॉलर है, इसमें मैं डस्ट करके बना सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास हॉलर है तो आप इस चीज़ को हॉलर में पीस के पूरा डस्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं, एक फ्लोटिंग फीड बना सकते हैं। अगर नहीं है तो सारा चीज़ को एक साथ मिक्सचर कर लेना, इसके बाद आप बाहर चले जाना, जो जहाँ पे ये हॉलर में इसको डस्ट किया जाता है, तो आप वहाँ से इस फीड को तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्लोटिंग जो फीड है इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं मानता हूँ थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा, तभी जाके इस तरह का फीड बनेगा, बिना मेहनत का नहीं बनेगा। क्योंकि ये इसको ले जाना, खरीदना, फिर इसको पिसाना थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों, मेरा फिश फीड जो है वो बिल्कुल ही बन चुका है। इस तरह से मैं इसको इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। हालांकि मुझे नर्सरी फिश फीड का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं इसको बना के दिखा दिया हूँ। तो ये जो मिक्सचर है, इसको ही मैं तालाब में मारता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये पानी के ऊपर तैरता है, और इसको क्रशिंग कर दिया जाए तो ये बिल्कुल ही जो कंपनी वाला फीड है, बिल्कुल ही मैदा जैसा हो जाएगा, एकदम पूरा डस्ट। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आपका पॉन्ड में। अभी बहुत सारे किसान भाई के मन में ये भी आ रहा होगा, दादा ये जो फिश फीड बनाने का तरीका आपने दिखाया है, ये क्या बड़ी साइज़ का मछली में हम दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। इसके लिए आपको जो चीज़ करना है वो है, इसके साथ
सरसों का खली या बादाम का खली का इस्तेमाल करना होगा तो ये फ्लोटिंग फीड नहीं रहेगा, ये सिंकिंग फीड बन जाएगा, यानी ये डूबने वाला फिश फीड बन जाएगा, ये पानी के ऊपर तैरेगा नहीं है। तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल करके इस फिश फीड को बड़ा साइज मछली को भी खिला सकते हैं। तो मैंने जो मिक्सचर बनाया इसको मैं पॉन्ड में देखे दिखाता हूँ दोस्तों। ये जो मिक्सचर मैंने बनाया इसको क्रशिंग नहीं किया, सिर्फ मिक्सचर बना के दिखाया, लेकिन आपको क्रशिंग करना है। बिना क्रशिंग किए ही देखिए ये फ्लोटिंग फीड बन गया है और पानी के ऊपर तैरता भी है। और इसको अच्छे से क्रशिंग किया जाए मशीन में डाल के, तो बिल्कुल ही पाउडर एकदम बहुत अच्छा सॉलिड वाला जो है फ्लोटिंग फीड बन जाएगा। छोटा साइज मछली को बहुत ही जल्दी ग्रो करने में इस तरह का फिश फीड आपको मदद करेगा। तो दोस्तों क्या कर रहे हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर कर देना, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।